दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। न जाने क्या हो गया है अपने समाज को और अपने मुल्क को भी, अपने लोगों को भी। हम समुद्री तूफान में भी सियासी तूफान मचा देते हैं, और जहां समंदर शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई तूफान नहीं है, हम वहां भी तूफान मचा देते हैं। अब आप देखिए लक्षद्वीप, अरब सागर में कोई तूफान नहीं, लक्षद्वीप में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको कहा जा सके कि हम वहां कोई बड़ी चुनौती का सामना अपने देश को करना पड़ रहा। बहुत ही सहज सामान्य माहौल है, कुछ हजार लोग रहते हैं, भाईचारा है, लेकिन वहां भी हमने एक ऐसे प्रशासक को तैनात किया हुआ है जिन्होंने ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत जगह पर और शांति का एक बिगुल बजा दिया है। लेकिन आज हम लक्षद्वीप पर बात नहीं करने जा रहे हैं, आज हम बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के बाद सियासी तूफान पर बात करने जा रहे हैं। ये जो यास, जो सियासी चक्रवात, तूफान, जो भी आप कहिए, उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने विजिट किया और जिन जिन इलाकों से तूफान गुजरा और जो नुकसान हुआ उसका उन्होंने जायजा लिया अपने हवाई सर्वेक्षण से, और उन्होंने बातचीत भी की लोगों से, खासकर वहां की सरकारों से। लेकिन बंगाल में, उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में हो गया। अब बंगाल में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार गए, वहां की चीफ मिनिस्टर साहिबा ममता बनर्जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, दोनों की 4 महीने बाद मुलाकात हुई। इसके पहले 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर वो कोलकाता में मिले थे एक समारोह में, वो भी विवाद का विषय बना था, आपको याद होगा, ये चुनाव से पहले की बात है। इस बार जब वो मिले तो फिर विवाद हो गया, और इस बार तूफानी विवाद हो गया। तूफान से नुकसान को लेकर, वो भी कोरोना दौर में, कोविड ऑलरेडी हम एक ऐसी महामारी का सामना कर रहे हैं जिसमें जिंदगियां लोगों की खतरे में पड़ी हुई है, और उस दौर में आए तूफान से तबाह लोगों के बारे में सोचने के बजाय हम सियासी तूफान मचाए हुए हैं। आखिर क्या हो गया है? मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में ममता दी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध है मीटिंग, जो फेडरल रिश्ते होते हैं केंद्र और राज्य के, उनकी अवहेलना हो रही है। मामला यह था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो विद्रोही नेता कह लीजिए, जो टीएमसी से हाल ही में गए थे चुनाव से पहले, जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए गए हैं, शुभेंदु अधिकारी साहब, उनको बुला दिया गया था मीटिंग में, अपोजिशन लीडर के रूप में बुलाए गए होंगे, और ऑफिशियल बैठक में दो दो जो केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पहले से मौजूद थे, राज्यपाल साहब भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं गई, उनके चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ ही थे। इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ममता दीदी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान बना दिया, कहा कि वो फेडरल रिश्तों का, फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरल मूल्यों का उल्लंघन कर रही है, अवहेलना कर रही है। लेकिन यही आरोप ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर लगा दिया, केंद्र पर लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। मैंने कई बड़े अफसरान जो कि रिटायर्ड हैं उनसे बातचीत की कि क्या इस तरह के तूफान में, बाढ़ में, आपदा में जो मीटिंग्स होती हैं, क्या उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बुलाए जाते रहे हैं? परंपरा ऐसी नहीं है। स्वयं गुजरात में भी जब चीफ मिनिस्टर थे माननीय मोदी जी, तो उस समय भी लीडर ऑफ अपोजिशन लोग इस तरह के मामलों में नहीं बुलाए जाते थे। और इस बार भी हमने देखा कि
प्रधानमंत्री जी ओडिशा में भी गए, लेकिन ओडिशा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बुलाए गए। उनकी जो बैठक हुई नवीन पटनायक साहब के साथ हुई, जो चीफ सेक्रेटरी थे और PS2 चीफ मिनिस्टर, वो मौजूद थे मीटिंग में। तो प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में नहीं, प्रधानमंत्री जी की बैठक में उड़ीसा के लीडर ऑफ अपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, नायक साहब प्रदीप्त कुमार नायक, वो नहीं मौजूद थे। चलो कोई किसी ने बताया हमको कि वह अस्वस्थ है, तो डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन आ सकते थे उनकी जगह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बुला दिए गए। अब मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या इसके पीछे विचार था, क्या इसके पीछे राजनीति थी, या प्रोटोकॉल था, या परंपरा थी, या विरासत थी, क्या था। और दूसरी बात एक और कि तबाही का जो आलम है उसमें यह विचार कैसे आता है। और मैंने ये देखा कि सभी आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के घर में एक बड़ी घटना हुई थी कुछ समय पहले, उनके भाई का देहांत हुआ है COVID-19 के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें उनके भाई का भी निधन हो गया। तो एक उनके लिए मुझे लगता है कि सहानुभूति जताने का भी एक मौका था, लेकिन ऐसा कुछ न होकर एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बन गया। अब वहां पर जो अलापन बंदोपाध्याय है जो चीफ सेक्रेटरी, तुरंत जिस दिन ये घटना घटी उसी की शाम एक फरमान जारी हो गया केंद्र से कि उनको हम दिल्ली बुलाएंगे, तो उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर फिर दिल्ली बुला लिया गया। 3 महीने का उनका वक्त है और 4 दिन पहले उनको एक्सटेंशन केंद्र ने ही दिया है कि साहब आप बने रहिए। और बड़ी दुख की बात है कि अलापन बंदोपाध्याय साहब के जो भाई हैं, भाई थे अंजन बंदोपाध्याय, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, सज्जन, शालीन और साथ में अच्छे पत्रकार, उनका अभी कुछ ही दिन पहले COVID-19 के संक्रमण से निधन हुआ, उनका चीफ सेक्रेटरी के भाई का। तो उस परिवार में भी गहरा विषाद या दुख, संताप, जो भी आप कह लीजिए वो भी है। लेकिन उनको फौरन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी या राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और TMC, इनके बीच अगर कोई टकराव है, सियासी तूफान मचा हुआ है, तो उसमें एक अफसर जिसके कुछ महीने केवल बचे हुए हैं कार्यकाल पूरा करने को, उसको इसमें बलि का बकरा बना दिया गया और उनको केंद्र अब बुला रहा है। अब पता चला कि राजनीति इस प्रकार की है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे उनको कल रिलीव ही ना करें, और जब रिलीव नहीं करेंगी तो फिर कन्फ्रंटेशन होगा। तो कुल मिलाकर इस यास जो समुद्री तूफान है उस पर सियासी तूफान इस कदर मचा है कि संवेदनाएं ऐसा लगता है कि हम सब की सिमट गई है, या संवेदना शून्य हो गया है पूरा का पूरा, समाज, सियासत और हमारे काम करने का तरीका। हम न तो संवैधानिकता, न तो फेडरलिज्म, ये सब बड़ी बड़ी बातें इनकी जरूर करते हैं, लेकिन लगता है कि हमारा कोई यकीन नहीं बचा है इन चीजों में। कोई कुछ कर देता है, प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है हुक्मरानों में, लोग डर गए हैं अपने हुक्मरानों से। पहले इस देश के नेताओं के प्रति यहां के लोग मोहब्बत करते थे, सम्मान करते थे, आज सम्मान भी करते हैं तो डर करके, अजीब स्थिति हो गई है। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, हर सत्ताधारी चाहे जिस प्रदेश में जो भी हो, लोग डरते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जहां नेताओं से लोग सिर्फ और सिर्फ डरते हैं। अब एक व्यक्ति जो प्रशासक बन बैठा है लक्षद्वीप का, संयोगवश भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अगर उस तरह के लक्षद्वीप जैसे किसी क्षेत्र में प्रशासकीय अधिकारी बैठाने की बात है, तो परंपरा रही है कि कोई हमेशा IAS अधिकारी या कोई रिटायर्ड अधिकारी उच्च स्तर का वहां पर रिपीट किया जाता रहा है, लेकिन इस बार पॉलिटिशियन बैठा दिया गया। इसके पहले भी एक सज्जन को बैठाया गया था, हालांकि वो रिटायर्ड अफसर थे पुलिस के, लेकिन उनको वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, उनको भी बैठाया गया था। अब ये सज्जन जो है पटेल साहब, खोड़ा पटेल, ये सज्जन जो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल साहब, ये लक्षद्वीप में जाने से पहले, काफी वर्ष पहले, आपको याद होगा एक बार हमारे जो मौजूदा गृह मंत्री हैं
देश के वो गुजरात के गृह मंत्री थे, लेकिन उन पर मुकदमा चला, वो जेल चले गए। तो जब जेल चले गए हमारे मौजूदा गृह मंत्री, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, तो उनकी जगह इनको गृह मंत्री बनाया गया था। अब वो सज्जन इस बार कई क्षेत्रों के प्रशासक बने हुए हैं, जिसमें लक्षद्वीप भी एक शामिल है, और वहां पर वो ऐसी चीजें लेकर आए हैं, जाहिर है वो नीति आयोग और भारत सरकार, केंद्र सरकार के जो बड़े हुक्मरान हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लेकर आए होंगे, कि वहां पर शराब केवल विदेशी पिएंगे, बाहर से जो जाएंगे पर्यटक, वहां पर अमुक अमुक मांस नहीं खाया जा सकेगा, वहां पर ये काम नहीं किया जा सकेगा, कोई अपराध नहीं होता, अपराध की घटनाएं वहां पर लगभग बिल्कुल नहीं है, वहां पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया है, वहां पर बहुत कम जमीन है लेकिन वहां भूमि अधिग्रहण का नया कानून ला दिया गया है, बहुत सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनेंगी, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। अरे भी किस लिए, क्यों, कौन लोग करने जा रहे हैं, क्या उस पूरे द्वीप को किसी पसंदीदा कारपोरेट को सौंपना है, क्या क्या वजह है इस तरह का ड्रेकोनियन जो लाज है वो क्यों। और दूसरी बात कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश की कोई पार्टी नहीं है जो लक्षद्वीप में प्रशासक और केंद्र सरकार की नीतियों को इंडोर्स करती हो। वही हाल बंगाल में भी है। बंगाल में जो घटना घटी है, समूचे भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े कैबिनेट मंत्री बयान पर बयान दिए जा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। ठीक है, बयान देना अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा या उसके बहुत कोई मित्र हो तो मैं नहीं जानता उस कोई दल, लेकिन किसी और राजनीतिक शक्ति ने, राजनीतिक धारा ने ममता बनर्जी के विरुद्ध में बयान नहीं अभी तक दिया है। तो माना यह जाएगा कि यह लड़ाई दरअसल भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी या बनाम ममता बनर्जी है। आखिर सरकार को इंडोर्स क्यों नहीं कोई कर रहा है, अगर सरकार सही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार हर जगह कन्फ्रंटेशन, आप सीए के एनआरसी के दौर में देख चुके हैं, आप न जाने आप यूनिवर्सिटीज के मामले में देख चुके हैं, जितनी जितने भारत के विश्वविद्यालय वहां क्या हुआ, तो इस सरकार में आखिर ये ट्रेंड क्यों है, और वो भी ऐसे दौर में जब देश महामारी से अभिशप्त है, भयानक स्थितियां हैं, उनको एड्रेस करने के बजाय इस समय आप समझते हैं कि, अब हम सब समझ रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, टीका नहीं है, सरकार कह रही है कि दिसंबर तक हम 216 करोड़ डोजेज दे देंगे और 100% टीकाकरण हो जाएगा। अरे भाई, जनवरी से लेकर और मई तक जब हम बात कर रहे हैं, भारत की सिर्फ 3% आबादी को दो डोज मिला है, दोनों डोज 3%, तो 100% आप अगले 5-6 महीने में कर देंगे, कमाल का आंकड़ा है, कमाल का गणित है। तो इन चीजों पर काम करने के बजाय हम कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन के बजाय कन्फ्रंटेशन आखिर मुल्क को कहां ले जाएगा? क्या इस महामारी से देश को बाहर निकालने में सिर्फ एक दल, एक नेता ही केवल काफी है? समूचे जनतंत्र का कोई मतलब नहीं है, समूचे स्टेट्स का कोई मतलब नहीं है, किसी और राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है? मुझे लगता है इस पर सोचने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।